हेलो दोस्तों, मैं हूं रामी शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो चैनल के अंदर। ये वीडियो जो है दोस्तों थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि नॉर्मली हमारे चैनल में जितने भी वीडियोस हैं उसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता हूं, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों बात पूरी उल्टी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और आपको देना है दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर। तो आप अपने आप को रेडी कर लीजिए उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए या फिर उसको सोचने के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल के अंदर जो भी वीडियोस हैं वो यूनिवर्स से रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स ये जो क्वेश्चन होगा वो भी यूनिवर्स से ही रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन जो है वो भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक जरूरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओ और उस क्वेश्चन की ब्यूटी को भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओ और आंसर के बारे में आप उतने ही परफेक्शन से सोच पाओ। दोस्तों ये जो वीडियो है एक्चुअली रिलेटेड है हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं उनके शेप यानी कि आकार से रिलेटेड, यानी कि हमारे अर्थ, हमारे स्टार, हमारी गैलेक्सीज, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार का शेप जैसा होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं और हम कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसका शेप जो है एक बॉल के जैसा है, राइट। हमारा जो सन है यानी कि सूर्य, उसका भी शेप एक गोल गेंद के जैसा है, और जितने भी प्लैनेट्स हमें नजर आते हैं वो भी गोल ही होते हैं, और यूनिवर्स के अंदर नजर आने वाले सारे के सारे स्टार्स और तो और जो भी प्लैनेट्स हैं वो भी गोल ही होते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर हम बात करें ब्लैक होल के शेप के बारे में तो ये भी गोल होते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसको समझने में। और मैग्नेटार, न्यूट्रॉन स्टार और क्वेसार्स जैसी बहुत सी चीजें भी गोल ही होती है। इस तरह से यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट का कनेक्शन मिलता है जो एक्चुअली गोल है। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के शेप के बारे में। हमें पता है कि सोलर सिस्टम के अंदर सेंटर के अंदर एक स्टार होता है और उसके अराउंड कुछ प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं। एक नोट करने वाली बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं वो सारे के सारे एक प्लेन के अंदर ही घूम रहे होते हैं। इस तरह से हम दोस्तों कह सकते हैं कि कोई भी सोलर सिस्टम का जो शेप होता है वो एक सर्कल के ऊपर आ सकता है। इस वजह से सोलर सिस्टम का शेप जो है वो एक समतल हुआ। और तो और गैलेक्सीज के बारे में बात करें, यूं तो गैलेक्सीज तो बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन सारी की सारी गैलेक्सीज जो होती है वो भी एक प्लेन के ऊपर आ सकती है। इस तरह से उनका जो शेप हुआ दोस्तों वो भी एक प्लेन हुआ। और हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट सैटर्न, उसके आसपास भी आपने बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग्स देखी होगी, ये रिंग भी जो है वो एक प्लेन के ऊपर आ सकती है। और तो और कई बार जब आपने ब्लैक होल्स की इमेजेस देखी होंगी उनके आसपास आपको या फिर तो गोल होगा या फिर तो एक प्लेन समतल के ऊपर आ सकता होगा। यानी कि हमारे यूनिवर्स के अंदर मेजरली सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो या तो गोल होते हैं या फिर तो एक समतल के ऊपर यानी कि प्लेन की जैसे होते हैं। इन बातों से दोस्तों आप एक कंक्लूजन तो निकाल ही सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट बनते हैं उनका शेप को भी डिजाइन करने में या फिर तो उनका शेप भी डिजाइन करने में कोई ना कोई रूल तो अप्लाई होता ही है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि मेरा क्वेश्चन क्या है या फिर तो मैं इतनी टाइम से आपको क्या समझने का ट्राई कर रहा था। तो दोस्तों क्वेश्चन अब आप क्लियरली सुन लीजिए, क्वेश्चन यही है कि जो हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें नजर आते हैं वो या फिर तो गोल होते हैं या फिर तो एक प्लेन के जैसे होते हैं। मतलब कि दोस्तों आपको सिर्फ उस नियम का नाम बताना है कमेंट्स के अंदर जो इन सभी ऑब्जेक्ट का शेप डिसाइड करता है, कि अगर आपने 10th भी कंप्लीट किया है तो आपको इस नियम के बारे में पता होगा, और अगर आपने 12th साइंस तक की स्टडी की है तो मैं श्योर हूँ कि आपको ये नियम पता ही होगा। लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। आंसर देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाइए और आपका आंसर लिख दीजिए। दोस्तों जल्दी जल्दी से जितने हो सके उतने आंसर मुझे मिले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आप ये वीडियो का जो क्वेश्चन है वो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन को जितना हो सके उतना आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे जितने हो सके उतने ज्यादा रिप्लाई मिले। बाय दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का।